आज की इस मीटिंग के मंच की संचालन कर रहे मेरे भाई अब्दुल गफार मलिक साहब, प्रदेश के सचिव जनाब डॉक्टर ताज मलिक साहब, हमारे महानगर के अध्यक्ष जनाब हाजी अय्यूब मलिक साहब, और यहाँ पर दूर दराज से आए, चाहे वो लोनी से आए, गाजियाबाद से, मुजफ्फरनगर, खतौली, जहां सर पर भी आए, उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बुजुर्गों, मुझे वक्त 2 मिनट का, मेरे ऊपर से जो आदेश हुआ है मुझे 2 मिनट का समय मिला है, इसलिए नाम तो अगर बहुत सारे लेने चाहें तो सबको लगभग नाम याद है, लेकिन मैं नाम सबका नहीं ले सकता। मैं आपको एक, देखिए, बोलना तो बहुत चाहता हूं मैं, लेकिन 2 मिनट का समय, इसलिए थोड़ी सी बिल्कुल शॉर्ट में बात बताता हूं। एक बनिया था, बनिया गरीब बनिया था, बहुत पुरानी बात है। वो अपने घर के अंदर डेली लक्ष्मी की पूजा करता था और ये कहता था कि लक्ष्मी लक्ष्मी हाय लक्ष्मी। एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी ने उसके गेट पे सुबह सुबह 4 बजे दस्तखत दे दी। उसने गेट खटखटाया और उसने कहा अंदर से बनिए ने के कौन है, तो उसने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं। उसने कहा मुझे तो तेरी जरूरत थी, तू आ जा, मैं गेट खोल रहा हूं, तू अंदर आ जा। लक्ष्मी अंदर आ गई। बनिए ने कहा कि बैठो, पधारो। उसने कहा नहीं, पहले तुम अपनी बात बताओ जब मैं बैठूंगी। उनको सुबह 4 बजे का टाइम है, मैं आपको अपनी बात जब बताऊंगा। लक्ष्मी जी, मैं जरा नहाना चाहता हूं गंगा जी में, एक डुबकी मार के आऊंगा मैं, जब मैं आपको बात बताऊंगा। बनिया गंगा जी नहाने चला गया, लेकिन उससे पहले वो उससे शर्त ले गया जो लक्ष्मी जी के, मुझे आप वचन दीजिए जब तक मैं नहाऊं नहा के आप लौट कर नहीं जाएंगी। उसने सोचा कि बनिया गया डुबकी मार के, अब आया तो वचन दे दे। उसने वचन दे दिया। जब वो नहाने लगा और डुबकी मारने लगा, उसने सोचा कि मैं अपने घर वापस जिंदा गया तो लक्ष्मी चली जाएगी। दोस्तों, बुजुर्ग को वो डुबकी मार के वहीं मर गया। उसकी क्या कारण था कि अगर मैं जिंदा चला गया तो लक्ष्मी चली जाएगी, मैं यहां मर गया तो मेरे कौम के आने वाले नस्ल के काम आएगी। तो ये जो हमारी समिति मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समिति अपने कौम के लिए जो ये पहल की है, तो हो सकता है ये कि आज आपको थोड़ा ठीक ना लगे, लेकिन आने वाली नस्ल आपकी इंशाल्लाह कामयाब होगी।